अस्सलामुअलैकुम अस्सलामुअलैकुम अस्सलामुअलैकुम। ये हज़रत राबिया बसरी, राबिया लदविया, हज़रत राबिया बसरी का मैं आपको दिखाता हूँ मकाम। राबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैह के मकाम पर लेके जा रहा हूँ। ये गार के अंदर है, देखें गार के अंदर। अल्हम्दुलिल्लाह आज ये खुला हुआ है और अल्हम्दुलिल्लाह हमें चांस मिल गया यहाँ आने के लिए, अल्लाह का फजल है। राबिया बसरी है, बहुत ही पाइस खातून थी। ये देखें, ये उनका मकाम है। ये देखें राबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैह, ये माशाल्लाह देखें हज़रत राबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैह का जो है मुकाम है। तो अल्लाह ताला इनकी दर्जात को बुलंद फरमाए। और राबिया बसरी एक बहुत ही बुजुर्ग पाइस खातून थी जी, और वो यहाँ रहा करती थी और इबादत किया करती थी। तो इनका नाम राबिया, राबिया अरबी जबान में कहते हैं चौथे को। तो माशाल्लाह ये उनका मकाम है राबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैह। क्योंकि अकॉर्डिंग टू द हिस्ट्री के हज़रत राबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार ये है, और क्योंकि इसकी एक अलामत ये है कि ये नीचे बाहर में है। और राबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैह बहुत अजीब खातून थी और बासी दौर के अंदर और अल्लाह से मोहब्बत में डूबी हुई थी। और अब यहाँ पे जो है जूश भी आते हैं, क्रिश्चियन भी आते हैं। मुसलमान तो इसलिए आते हैं कि हज़रत राबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार है, जूश इसलिए आते हैं कि जूश के नज़दीक इनकी एक प्रॉफिट थी खुलदा, और वहाँ पे जो मस्जिद अक्सा है वहाँ एक गेट है जिसको खुलदा गेट कहते हैं कि जब मसाया आएगा तो उस खुलदा गेट से अंदर दाखिल होगा। तो वो इनके नाम पे, वो कहते हैं ये वो प्रॉफिट खातून थी, उनकी कब्र है, इसलिए वो यहाँ आते हैं। और आके इसी तरह से क्रिश्चियन आते हैं, और क्रिश्चियन से पूछा जाए कि भाई तुम क्यों आते हो यहाँ, तो उनके यहाँ एक नंस थी, सबसे पहली नंस, उनका नाम था पुलागिया। पुलागिया जो थी वो उन्होंने अपने बालों को शेव करके और मर्द बन के वो इबादत करती थी। तो जब उनका इंतकाल हुआ तो डिस्कवर हुआ कि वो तो मर्द नहीं, वो तो औरत थी। तो ये उनकी, वो कहते हैं कि उनकी कब्र है ये, तो इसलिए क्रिश्चियन यहाँ आते हैं। और लेकिन ये जो जगह है मुसलमानों के कंट्रोल में है, और सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने ऊपर मस्जिद बनाई थी, नीचे गार में ये कब्र है और आप ये देख सकते हैं, और इसकी चाबी मुसलमानों के पास है। अल्लाह ताला जो है इनके दर्जात को बुलंद फरमाए। तो इंशाल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।